आज हमारा टॉपिक है लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स को कहते हैं। लैरिंग्स हमारे थ्रोट में, ये नेक भाग में वो स्ट्रक्चर है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होता है। तो जब हम बात करते हैं तो हमारी जो आवाज़ आ रही है वो आवाज़ लैरिंग्स की वजह से होता है। तो लैरिंग्स में अगर किसी भी कारणवश इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो हम उस कंडीशन को लैरिंजाइटिस कहते हैं। ओके, सो लैरिंजाइटिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? लैरिंजाइटिस का कारण बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करना, या फिर जो गाना गाते हैं या वॉइस का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनका जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वॉइस का, वो एक कारणवश हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पे सेल्स में कोई थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो जाए, या फिर अल्कोहल, स्मोकिंग ऐसी कोई आदतें हो तो इनकी वजह से हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे स्टमक में कोई डिस्टर्बेंस हो जिसकी वजह से जो एसिड है स्टमक का वो बार बार ये गले की तरफ या फिर मुँह की तरफ आ रहा हो, तो वो जो फूड वापस आना है, वॉमिटिंग है, उन चीज़ों की वजह से भी, वो एसिड की वजह से भी क्या हो सकता है कि वहाँ का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो ख़राब हो सकता है। ओके, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना या फिर ठंडी चीज़ों का यूज़ करना, या ठंडा जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर कफिंग हो रही है किसी को, तो उस ज़्यादा कफिंग जो है जिस प्रेशर के साथ खांसी हो रही है उसकी वजह से भी वहाँ पे छिलने के चांसेस हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से लैरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो किसी भी कारण में, जैसे हम कहें कि बहुत ठंडा कुछ खाया है, तो उस ठंडक की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे सेल्स में थोड़ा बहुत कुछ खराबी आ जाए, वहाँ पे फिर पानी भरने लगेगा और उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। सेल्स पूरी तरीके से ब्लड के ना पहुंचने की वजह से सेल्स धीरे धीरे ख़राब होने लगेंगे और फिर वो वहाँ पे एक सूजन जैसा या इन्फ्लेमेशन जैसा हो जाएगा। तो दैट इज़ कॉल्ड लैरिंजाइटिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण की। तो अगर लक्षण की बात करें तो जो आवाज़ है उसमें बहुत बदलाव दिखाई देगा। भारी आवाज़ हो जाएगी, या आवाज़ निकलने में प्रॉब्लम हो जाएगी, या फिर बहुत ज़्यादा इरिटेशन, थ्रोट में इरिटेशन और कफिंग के चांसेस हो सकते हैं। फीवर आ सकता है, उसी के साथ साथ कमज़ोरी आ सकती है, हेडेक हो सकता है। तो ये जो कारण है, इनके अलावा हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो खाना निगलने में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लक्षणों में देखते हैं पेशेंट्स में। ओके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो हम ब्लड टेस्ट करा के देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हमें इन्फेक्शन्स वगैरह के बारे में पता चल जाएगा। हम यहाँ पे टच करके भी देख सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सूजन है या नहीं है। उसके अलावा हम एक प्रॉपर हिस्ट्री ले सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इससे पहले भी ऐसे कोई इंसिडेंसेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, या क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा इन्फ्लेमेशन हो रहा है। साथ ही साथ हम एक्सरे करा के देख सकते हैं, सीटी एमआरआई करा के देख सकते हैं, ये जानने के लिए कि लैरिंग्स में कितनी खराबी है या कितना सूजन हो गया है। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकली जो मेडिसिन देकर हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम एंटीमाइक्रोबियल दे सकते हैं ताकि वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सूजन है या पानी भरा हुआ है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं जो वहाँ का सूजन कम करने में मदद करेंगे। अगर बुखार हो गया है तो हम एंटीपायरेटिक जैसे पैरासिटामोल वगैरह ये सब कुछ दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इरिटेशन है गले में तो हम वहाँ पे एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं जो उस इचिंग को या जो इरिटेशन है उसको कम करने में मदद करेंगे। इसी के साथ साथ बिना मेडिसिन के क्या फार्माकोलॉजिकल बिना मेडिसिन के मेडिकल मैनेजमेंट ने हम वॉइस को रेस्ट करने को कहेंगे, हम बहुत ज़्यादा पानी पीने को कहते हैं, गुनगुना पानी वगैरह, और साथ ही साथ हम वहाँ पे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि किसी भी तरीके का जो स्मोकिंग है या ऐसी चीज़ें ना करें। ओके, लास्ट अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सेम यही है कि हम स्टीम लेने के लिए बोल सकते हैं पेशेंट को। साथ ही साथ हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं मेडिसिन टाइम पे लेने के लिए। इरिटेट करने वाले जो फूड हैं या बहुत गर्म या बहुत ठंडा जो खाना या पीने के जो पदार्थ होते हैं वो यूज़ ना करने की एडवाइस हम करते हैं। वॉइस जितना हो सके रेस्ट करने को कहते हैं जब तक लैरिंग्स वापस ठीक नहीं हो जाता है। ओके, सो ये था लैरिंजाइटिस के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।